वर्ड में डायमंड आएगा ऐसे लेके बैठना धोनी की जैसे, ठीक है ना। एक भी वर्ड को मिस मत करना, एक भी शब्द को मिस मत करना, क्योंकि एक एक वर्ड में करोड़ों रुपए का पावर छुपा हुआ है। आप कितना समझेंगे ये आपको देखना है। तो आप सभी लोगों के स्टैंडिंग ऑडिशन के साथ खड़े हो जाइए सर, थोड़ा खड़े हो जाइए। आज जितना खड़ा होंगे लोग उतना आपको प्यार देने वाले आने वाले समय में। तो आप लोगों के स्टैंडिंग ऑडिशन के साथ लगातार क्लैपिंग के साथ लगातार क्लैपिंग क्लैपिंग रुकनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी है। धन्यवाद हर्ष। सभी एकदम शांत हो गए भाई, ऐसा यहाँ से नोट देखने वाला नहीं हूँ मैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पे मैं गौर कर रहा था, यहाँ पे एक वर्चुअल तालियां बजती है, मुझे वो नहीं पसंद है, मुझे रियल तालियां पसंद है। इंदौर में पहली बार रखा हूँ कदम, फर्स्ट टाइम, और जहां जहां कदम पड़े हैं ऊपर वाले की दया से वहां वहां करोड़पतियों की लाइन लगनी चाहिए। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है और कृपा है कि आज यहां से आने वाले मार्च तक में आप लोगों को बता दूं कम से कम 10 करोड़पति निकल रहे हैं। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में केवल सपना देखते हैं और दिखाते हैं, यहाँ पर हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। क्या आप सभी हमारे साथ हैं? Yes! आज बहुत चुने हुए लोग यहाँ पे होंगे, क्योंकि आज कई लोगों ने ऐसा टाइमिंग सेमिनार का है कि कई लोगों का लंच ब्रेक हुआ होगा, कई लोगों का ब्रेकफास्ट ब्रेक हुआ होगा और कई लोगों का तो संडे ही गया काम से।
अगर हस्बैंड है यहाँ आए हुए तो उसके घर वाले गाली दे रहे होंगे कि कौन हमें सिंह बनवाना आया यार, ये भागते भागते वो आ गया। तो भाई एक बार गाली सुन ही लो, क्योंकि आगे जाके अभी मैं सुरेंद्र का फोटो देख रहा था, एनिवर्सरी मना रहे थे 7 स्टार होटल में, ओनली एंड ओनली उस होटल के ग्राउंड में पूरा ग्राउंड बुक था और ये मियां बेबी दोनों आराम से 7 स्टार में खा रहे थे। तो ऐसा अकेले अगर समय देना है तो थोड़ा सा समय तो लेना पड़ेगा पहले, तब तो ये समय दे पाएंगे। दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा आज मैं, क्योंकि सब कुछ तो आप लोगों ने देख लिया समझ लिया। बस इतना बोलूंगा कि 2 साल में अगर करोड़पति बन सकते हैं तो जो यहाँ पे 178 करोड़ का चीज है, क्या हर्ष के पास 178 करोड़ आज नहीं तो कल आएगा कि नहीं? आएगा। आपके पास आना चाहिए कि नहीं? यस। ना दम नहीं है अब, ये आवाज नहीं तालियों की गड़गड़ाहट से बताइए क्या? मैं बहुत ही टाइट शेड्यूल के बाद भी यहाँ पे मौजूद रहा और आया आप लोगों के पास। इवन गोवा वाले मुझे बहुत बोल रहे होंगे, क्योंकि गोवा वाले खड़े हो जाए दोनों, एक बार दोनों गोवा वाले स्टेज में आइए। नकली वाली बजवाओ क्या? नकली वाली ताली बजाने का नौबत नहीं आनी चाहिए। ये दोनों पूरा एंजॉय करके आए हैं गोवा, कैसा रहा एक्सपीरियंस इनसे जानेंगे। फ्री गोवा टूर कंपनी के द्वारा जो आप लोग प्लान में देखते होंगे, कई बार कई लोग आपसे बताया नहीं यार, नहीं ये सब केवल बोलने के लिए है, होता नहीं है, ठीक है? तो इन्हीं से एक बार एक्सपीरियंस सुनेंगे कैसा एंजॉय किए गोवा में, थोड़ा कम शब्दों में। थैंक यू सर। जब हमको मैंने जब 7 तारीख को ज्वाइन किया था अजय तिवारी को, तब मुझे कहा गया था कि अगर आप 5-25 करते हैं और तो आपको कंपनी गोवा टूर देगी। तो मैंने सोचा था क्या गोवा टूर रियल में कंपनी भेजती है क्या, लेकिन जब मैंने 5-25 का किया और गोवा टूर रिसीव हुआ, तब जब कंपनी ने मेरे को गोवा जाने के लिए कहा, तब मेरे पास मैसेज आया कि बोले आपको 18-19 को जाना है, 18 को वहां पहुंचना है, 19 को रहना और 20 को वापसी आपका होना है। तो मैंने कहा यार चलो अपन कैसे जाएंगे, ट्रेन से तो बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत बार तो प्लेन से चले जाते हैं। तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि यार काम करो ट्रेन से जाए चलाओ। तो मैंने कहा नहीं मैं तो प्लेन से जाऊंगा, जो कंपनी देगा वो दे देगा। लेकिन जब मैं वहां गया तो एयरपोर्ट से वहां जाने के लिए टैक्सी वाले से पूछा तो 2000 रुपए बोले आपको जो एक्सपेंसिव एंड विलास जो होटल आपका बुक किया गया है 2000 रुपए में हम आपको वहां छोड़ेंगे। लेकिन थोड़ी देर में वहां मैसेज आ गया कंपनी का, बोले आपको रिसीव करने के लिए लोग आ रहे, आपको वहीं से रिसीव किया जाएगा। शानदार बस वहां पर अवेलेबल करवाई गई और बस के माध्यम से हम होटल पहुंचे। वहां बिल्कुल फ्री, कोई फाउंडेशन नहीं, शेड्यूल डला है हमें कि शेड्यूल के हिसाब से आपको रहना है और उसके बाद जितना एंजॉय कर सकते हो। हमने बहुत सारे वीडियो पर घूमना और उसके बाद जब वहां से वापसी हुई हमारी, तब भी हमें बस के द्वारा ही एयरपोर्ट तक छोड़ा गया, पूरे फुल फैसिलिटी के साथ शानदार तरीके से रहना। और वहां के जो मैनेजमेंट था इतना जोरदार मैनेजमेंट कि समय कैसे बीत गया हमें पता ही नहीं चला। हम सोच रहे थे कि कुछ दिन और हमारा गोवा में रहने का मौका मिले तो हम रुको एक टारगेट और अचीव करके गोवा आने का होता। और सर का यार ये खाने के बारे में तो बहुत शानदार, हमें जिस तरीके से हमें भोजन चाहिए था हर प्रकार का वहां पर अवेलेबल, हर प्रकार की डिशे अवेलेबल थी, जिसको जैसा चाहिए वेज नॉन वेज और हर प्रकार की फ्रूट्स वगैरह सारी चीजें वहां पर समय पर अवेलेबल रही है। थैंक यू सर। हेलो गुड मॉर्निंग इंदौर। गुड मॉर्निंग। सब सर ने बता ही दिया एंजॉयमेंट के बारे में, मैं बस इतना कहना चाहूंगा नेक्स्ट बनी है तो मुमकिन है, नेक्स्ट बनी है तो मुमकिन है। धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों ये काम ऐसा है जहां आप एंजॉय करते हुए पैसे कमाते हैं, सब कुछ मिलेगा, जो चाहिए वो सब कुछ हम देने को तैयार हैं, बट आपके तरफ से एक हाथ बढ़ाने की देरी है, 10 हाथ हम बढ़ाने को तैयार हैं। आपके साथ इतने अच्छे अच्छे लीडर हैं, इतने कर्मठ लीडर हैं, जो
लोगों के साथ जा जाके वन टू वन कहीं इन्होंने दिखाया फोटोग्राफ की एक जगह कहीं घर में नीचे बैठ के प्लान दिया, इतने सारे सीनियर लोग आपके साथ हैं और सपोर्ट करके आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। ये वो बिजनेस है जहां कंपटीशन नहीं है। एक गोल्ड ये चाहता है क्या कि मेरे नीचे वाला गोल्ड नहीं बने? वो बोलते हैं मुझे फोन करके, सब दो बन गए हैं अभी और तीन जल्दी से बनाते हो मेरा डायमंड हो जाएगा। लेकिन बिजनेस में एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। बोला यार मेरा पूरा बिजनेस वो खा के चला जाएगा, इसलिए उसके पास बिजनेस नहीं जाने देने का, मेरे पास सब आने का। और यहां पे लोग क्या सोचते हैं कि ये जितना ज्यादा आगे बढ़ेगा उतना ज्यादा मैं आगे बढ़ूंगा। यानी एक के साथ मिलके हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस बीच बहुत सारी कठिनाइयां भी आएगी। इसमें ऐसे बहुत सारे मशरूम ग्रोथ हुए कंपनियां भी हैं जो बोलेगी अरे वो कमा लिया, तू कहां है यहां, नेक्स्ट मनी में नहीं कमा सकता। कहां कमाएगा? जहां नया नया ज्वाइन करेगा वहां कमाएगा। आज बताता हूं एक कंपनी नई आई है, किसने किया है? अरे नेक्स्ट मनी वाला ही है, आजा आजा आजा। एक कंपनी नहीं बताता हूं वहां तेरे को टॉप पोजीशन दे दूंगा और तू भी हर्ष की तरह करोड़पति बन जाएगा। दोस्तों सफलता की मंजिल आपकी मेहनत होती है, इतने में दिक्कत आ जाए पीछे हटने का नाम मत लीजिएगा। क्या होता है कभी कभी ये स्वार्थी दुनिया है, ये दुनिया ये नहीं चाहती है। आप जब किसी को प्लान बताते हैं तो सबसे पहले वो क्या सुनता है? अच्छा अभी ये सिल्वर बनेगा, फिर ये घोड़ा जाएगा, फिर ये गोल्ड बनेगा, फिर ये 10 लाख रुपए कमाएगा, फिर ये डायमंड बनेगा, फिर ये भी अपना घर बनाएगा। बोला यार ये तो एकदम सही डायरेक्शन में जा रहा है, इसको कैसे रोकूं? तो प्लान बताने के बाद वो आपको बोलेगा भैया ये सब मत कर, ये सब बेकार चीज है, ये करने से कुछ नहीं होता है। तो ऐसा करेगा खड्डे में गिरेंगे, लोग घर में आएंगे मारने को। और मन ही मन क्या सोचेगा, मैं किसी और के साथ ज्वाइन कर जाता हूं और इसको डिमोटिवेट कर देता हूं। ऐसे भी लोग मिलते हैं मार्केट में जो आपको डिमोटिवेट करते हैं और साइड से अपना काम निकाल लेते हैं, इनसे भी बचिएगा, ये भी आपकी तरक्की नहीं चाहते हैं। सही रास्ता और सही डिसीजन लेना आपके माइंड का ख्याल है, आपका नॉलेज है। और आप जितना नॉलेज अपने डायरेक्ट सीनियर से ले सकते हैं, कंपनी को समझ सकते हैं, आपके जो भी कॉमन सेंस है, सबसे बड़ी बात होती है कॉमन सेंस। आप देख ले दुनिया में कितने पढ़ाकू लोग हो तरक्की नहीं कर सकते हैं, और जो एक सिंपल से सिंपल आदमी होता है उसको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाता है तो उन सारे पढ़ाकुओं को आगे करके निकल जाता है, निकलता है कि नहीं? Yes. ये कमाल है कॉमन सेंस का। जब ऐसी चीजें आए आपके सामने जो आपकी तरक्की में बाधा दे, तो हर बार अपनी कॉमन सेंस लगाना, हर बार अपने हिसाब से सोचना, किसी के कहने के हिसाब से मत सोचना। यहां पे भी ज्वाइन करने से पहले अपनी कॉमन सेंस लगाना कि ये सारे लोग जो कह रहे हैं सही है कि नहीं, हाँ ऐसा करने से ऐसा होगा क्या। कई लोग यहां पे आए आज बड़े बड़े पोजीशन में, सबसे पहले वो क्या किए मालूम है? पहले एक काम करता हूं मैं, ज्वाइन करता हूं मेरे घर के 2 लोगों को ज्वाइन कराता हूं, कम से कम 500 के ऊपर पे आउट आएगा। तो ये बोलते हैं IMPS करने से अकाउंट में आ जाता है, पहले वो चेक करते हैं हाँ IMPS आया क्या अकाउंट में, हाँ आया मतलब अब आता रहेगा। दूसरी चीज, कई लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जो बोलेंगे ये सब चीज लीगल नहीं होता है। बोले लीगल क्या है? बोले रिक्शा चलाओ, ठेला लगाओ, वो लीगल है क्या? तो हर चीज में बाधाएं आती रहेगी। और इंदौर में आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा
कि यहाँ फर्स्ट बार आया और इतने अच्छे अच्छे लोग आप लोग जैसे और इतने सारे डायमंड क्राउन डायमंड यहाँ पे मिले। फ्यूचर प्लानिंग मैं आपको थोड़ा मोड़ा बता दूं, बहुत बड़ी बड़ी फ्यूचर प्लानिंग है लेकिन इतना सब बताऊंगा तो पार हो जाएगा। जैसे आप प्लान दिखाते हैं तो क्या करते हैं 100% 178 करोड़, फिर 10% और 1% और 0.1% बताने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों बोले 178 करोड़ बोलूंगा तो पार हो जाएगा? बोले इसलिए बोले अगर 10% भी सक्सेस किया तो 17 करोड़। बोले नहीं ये भी पार हो जाएगा। क्यों? जॉब की कैलकुलेशन लगा लीजिए। मेरे पिताजी सर्विस में थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, और मैं आपको बता दूं कि अगले 2 महीने बाद उनके रिटायरमेंट है और वो करोड़पति नहीं है। वो करोड़पति इसीलिए हमारी सोच जो है ना 178 करोड़ बोलते हैं तो पार हो जाती है, 17 करोड़ बोलते हैं तो भी पार हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, कितना परसेंट दिखाते हैं? 1%। फिर क्या बोलते हैं? 1,78,00,000। 10% ना? 1%। कैलकुलेशन है सबके ध्यान में। 1% में भी बिलीव नहीं होता है लोगों को, क्योंकि जिंदगी भर करके भी हम 1 करोड़ तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो बिलीव लेवल नहीं आती है। तो हम क्या बोलते हैं, चल यार तू 0.1% भी सक्सेस कर गया तो कितना मिलेगा? 17 लाख। हाँ ये ठीक है। आप लोगों ने देखा दोस्तों कि केवल 2 साल 25 महीने हुए ना सर, 25 महीने में 91 में है अभी। अगला प्रोग्राम करेंगे तो 95 क्रॉस वाला दिखाएंगे, और उसके अगले प्रोग्राम में तो एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए। इन्हीं के समय में बहुत सारे और भी लोग ज्वाइन किए होंगे नेक्स्ट मनी, ऐसा तो नहीं है कि यही ज्वाइन किए होंगे। इसी तरह आपके साथ भी बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं। हर कोई सफल होता है क्या? एक स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा बहुत अच्छे प्रोफेशन में चला जाता है क्या? पढ़ाता तो उसको वही टीचर है, स्कूल भी वही है, स्कूल के डिग्री भी वही है। सर्टिफिकेशन की वैल्यू कम होती है क्या किसी के लिए, और किसी के लिए ज्यादा होती है क्या? लेकिन कोई बच्चा अच्छा मेहनत करता है, कोई बच्चे का विजन क्लियर रहता है, कोई बच्चा सही डायरेक्शन में जाना चाहता है तो कहीं अच्छे जगह पे जॉब में लगता है। इसी तरह यहाँ भी वो सिस्टम है कि सफलता उसी को मिलती है जो सतत प्रयास करता है और लोगों के ना से अपनी ना नहीं करता है। लोग तो ना करेंगे, क्यों करेंगे ना? उनको जब आप बताते हो प्लान तो वो अपना सोचने के बजाय सारी कैलकुलेशन आप पे लगा देते हैं। और मैंने जो बोला 0.1% में सेटिस्फेक्शन क्यों मिलती है मालूम है? क्योंकि जब आप प्लान दिखाते हो तो वो सोचता है अच्छा है ये 178 करोड़ कमाएगा, वो ये नहीं सोचता ये मेरे लिए बता रहे, क्योंकि वो तो ज्वाइन किया ही नहीं है, वो तो कहीं से 1770 लगाएगा फिर जाके ज्वाइन करेगा, वो तो ज्वाइन किया नहीं है। लेकिन वो क्या देखता है, ये तो ज्वाइन है और काम कर भी रहा है और मुझे प्लान बता भी रहा है। तो 178 करोड़ जब आप 0.1 बोलते हैं, चल 17 लाख, तो थोड़ा उसको दिल में तसल्ली आती है, चल यार ये 17 लाख ही कमाएगा। तो फ्रेंड्स आज ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आज संडे मैं आप लोगों का ज्यादा खराब नहीं करना चाहूंगा। एक बार मेरे सारे नेक्स्ट मनी के लीडर के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और तब जाके हमने 35 लाख लोगों का कारवां बनाया है। एक तरफ हमने 3 विजन लेके चले थे, डिजिटल इंडिया, हेल्दी इंडिया और वेल्दी इंडिया। ये तीनों की कामयाबी में
पहला पड़ाव हमने पार कर लिया है। हमने ऐसे ऐसे लोगों को डिजिटल बनाया है जिन लोगों ने कभी भी आज तक हाथ में लेके एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल नहीं किया होगा। और इसके साथ ही हेल्दी इंडिया के मिशन के साथ हम एक और एड ऑन प्लान इसमें लेके आ रहे हैं। उसके उस प्लान के बिना ही हर्ष करोड़पति बनने जा रहे हैं। अब वो एड ऑन प्लान आने के बाद आपकी रफ्तार 4 गुना से बढ़ जाने वाली। तो आप सोच लें कि हर्ष ने कितने दिन में किया था।